गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास तो कल हमने अपना जो टॉपिक किया था वो था निर्नेस्ट इक्वेशन आगे हम निर्नेस्ट इक्वेशंस के एप्लीकेशन देखेंगे कि निर्नेस्ट इक्वेशन कहाँ यूज होती है जैसे कि हम बात करते हैं निर्नेस्ट इक्वेशन एट इक्म एक हमारी जो निर्नेस्ट इक्वेशन थी हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जनरल रूप से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो देखें निर्नेस्ट इक्वेशन एट एक द इक्म अगर हम हमने जो पीछे रिएक्शन ली थी Fe+ प्लस में Cu2+ पॉजिटिव इक्ुबरियम Cu प्लस में Fe2+ पॉजिटिव इसे इक्बरियम पर मान लिया है हमें पता है जो इक्विब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आप देखें प्रोडक्ट में कौन है सीयू कंसेंट्रेशन ऑफ Cu इन टू मे कंसेंट्रेशन ऑफ एफ ई टू पॉजिटिव अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स तो रिएक्टेंट में कौन है एफ ई और कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू पॉजिटिव ये हो गया हमारा इक्लोब्रियम कॉन्सेंट एड इक्लोब्रियम हमने क्या माना था जब प्योर कंडीशंस के ऊपर है तो वहां पर कंसेंट्रेशन को यूनिट माना था हमने मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ सी और कंसेंट्रेशन ऑफ एफ इज ए यूनिट तो बच गया क्या हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ एफ अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सी ये हो गया हमारे पास पुट दीज वैल्यू इन द इक्वेशंस ये इसके बराबर है यानी इसकी जगह हम इसे पुट कर देते हैं तो देखें हमारे पास ये था यहां पर हम के किलोग्रियम पुट कर देते हैं बाकी हमारे पास एजिटीज है इसमें तो देखें इक्वेशन क्या बन जाती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लोग ऑफ के ई क्यों वी नो दैट ई नॉट सेल इज जीरो जब इक्लिब्रियम होगा तो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो तो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने ही वापस आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में तो नेट करंट विल बी जीरो और नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो ई एम एफ तो यहां पर इनोट सेल विल बी जीरो एट इक्लिब्रियम स्टेज तो यहां पर हम बात करें तो इनोट e सेल को पुट किया जीरो हमारे पास सॉरी e तो e cell को 0, तो को पुट किया में 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 अब देखो minus की जो टर्म है इसको उधर ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है ई नोट सेल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन इन टू जो हमारी ये वैल्यूज आई थी ये इसके बराबर भी थी सेल इज वैल्यू ना पुट करें तो हमारे पास इस प्रकार से आएगी. आगे हम चलते हैं द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी अब डेल्टा जी जो होता है वो होता है वर्क डन फ्री एनर्जी जो होता है एनर्जी यूज्ड फॉर द वर्क डन तो हमें पता है जो वर्क डन होता है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस दसवीं में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें भी आपने देखा होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार वर्क अपॉन चार्ज होता है तो यहां पर प्लस टू में फिजिक्स में ही पढ़ेंगे वर्क डन बराबर है चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क डन क्या लिया डेल्टा जी एनर्जी जो है चार्ज हमारे पास है माइनस का एन एफ और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ई सेल तो हमारी इक्वेशन बन गई डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल अगर इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड स्टेट पे ले तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड स्टेट पे हो हो जाएगा जाएगा डेल्टा जी नोट और ई ई सेल नोट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब एट 298 केल्विन और हमारे पास प्रेशर वन एटमोस्फेरिक और कंसनट्रेशन वन यूनिट तो वन मोलर कंसेंट्रेशन के ऊपर ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी रिलेशन बिटवीन द डेल्टा जी नोट एंड के इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नोट और के ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन रिजल्ट आया है तो देखिए इस इक्वेशन को रिजम्बल करें हमारे पास इस इक्वेशन से नोट सेल की वैल्यू ये है और जो ये वाली वैल्यू है हम जाकर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें पता है डेल्टा जी नोट बराबर है माइनस का एन एफ ई नोट सेल इक्वेशन नंबर वन ई नोट सेल हमें पता है आर डी बटे एन एफ इन टू एल एन ऑफ के इक्म इक्वेशन नंबर टू तो ये वाली वैल्यू यहां पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन में आती है वैल्यू डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का एन एफ इन टू में आर टी बटे एन एफ इन टू में एल एन ऑफ के एक्म अब देखो एन एफ से एन एफ कट गया तो आ गया हमारे पास माइनस का आर टी एल एन ऑफ के इक्म डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लोग हमारे पास यहां पर डेल्टा जी नोट की वैल्यू रहेगी तो नेक्स्ट हम कल के इसमें न्यूमेरिकल करेंगे इनसे रिलेटेड जो नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है और डेल्टा जी नोट इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेंगे